कुछ नहीं किया, मैं तो मत जा रहा था यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, अरे दोस्त नहीं दोस्त, ज़्यादा मत यार, अरे मेरी बात, मैंने नहीं किया। हमारी कंपनी वैक्यूम क्लीनर बनाती है। नहीं चाहिए मैम, मैम प्लीज़ बात तो सुन लीजिए मैम। देखिए एक डेमो ले लीजिए आप, अगर आपको डेमो पसंद ना आए तो फ्री में घर की सफाई हो जाएगी। ठीक है आइए। देखिए मैम, इसको यूज़ करना बहुत इजी है और बहुत स्मूथ है, कोनों में अच्छी सफाई करता है। मैम आप भी ट्राई कीजिए ना। मैं? हाँ आइए आइए आइए। अच्छा मैम आप गलत कर रही है। हाँ हाँ मैं आपको सिखाता हूँ। हाँ नहीं नहीं, आप रखिए अपना हाथ, ये हाथ यहाँ पर और ये हाथ थोड़ा इधर। हाँ और धीरे से, एकदम धीरे धीरे, एकदम स्मूथ। मैम मैं आपको और बहुत कुछ सिखा सकता हूँ, बेडरूम में चले। बदतमीज सुरेश। सुरेश 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 कौन है? सुरेश नहीं मैम वो सुरेश। क्या हुआ? ये मुझे छेड़ रहा था। नहीं छेड़ नहीं रहा था, मैं छेड़ नहीं रहा था, मैं छेड़ नहीं। वैक्यूम क्लीनर अंदर कैसे आता? हर लड़की हर औरत को हवस भरी नजरों से देखना एक प्रकार की मानसिक विकृति है जो बहुत सामान्य दिखने वाले लोगों के मन में दबी रहती है, पर यहाँ तो ये लड़का बेशर्मी की सारी हदें पार कर रहा था। इसे ना पिटने का डर था ना बेइज्जती का। आखिर ये लड़का था कौन और इसकी बदनीयती इसके साथ क्या करने वाली थी? आई बाबा खुद तो चले गए पर मेरी जिंदगी बर्बाद कर गए। क्या जरूरत थी उन्हें गणेश को दहेज में इतना सब देने का वादा करने की? अब दिन रात वो मुझे मारता है, इस बात तो बोल के भेजा है बिना पैसा लेके वापस आई तो मुझे जान से मार देगा। मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर पूरी अपने मरे हुए बाप को कोसने से क्या फायदा? उनको थोड़ी मालूम था ऐसे अचानक चले जाएंगे और तेरे को ऐसे दुख देखने पड़ेंगे। आई तो का बहुत परवाह करता है ना अपनी बहन की। देख क्या हालत हो गई है इसकी, कुछ करता क्यों नहीं? करूंगा, जरूर करूंगा। बाबा ने जो गणेश भाव को वचन दिया ना वो मैं पूरा करूंगा। कैसे करेगा? एक नौकरी तो तेरी टिकती नहीं। अगवाई इसके लिए मुझे अपने आप को बेचना पड़ा ना, तो बेचूंगा, पैसा लाऊंगा और वो भाव के मुंह पे 50,000 रुपया मारूंगा। 50,000? इतने पैसे कहाँ से लाएगा तू? तू टेंशन कैसा लगे तेज, तू इन सब में मत पड़े यार। देख अंकित, ये सब बातें बनाना और टाइम वेस्ट करना बंद कर। मैं बोल रही कोई अच्छा सा जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेता तू? ए, मेरे को पता है मुझे क्या करना है, तेरा लेक्चर सुनने को नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर आया था कि तेरे से मिलकर थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा, उल्टा तूने मेरे को गुस्सा दिला दिया। अंकित अच्छा आई एम सॉरी, मुझे बता तेरा गुस्सा कम करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? अंकित प्लीज 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 एक बार। अंकित प्लीज ना यार, 24 घंटे तेरे दिमाग में बस यही सब चलता रहता ना, नहीं तो इसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। हाँ जैसे 24 घंटे तेरे दिमाग में इसके अलावा सब कुछ चलता है, वैसे मेरे दिमाग में सिर्फ यही चलता है, समझी? देख शादी से पहले ये सब कुछ नहीं हो सकता, और मैं बोल रही कोई अच्छा सा जॉब ढूंढ ले, वरना मेरी मोह में ना मेरी शादी किसी और के साथ करवा देगी, फिर तू देखते रहना मेरे सपने। अरे कुठे जातेस? रोज की कटकट। बहुत परवाह करता है ना अपनी बहन की। देख क्या हालत हो गई है इसकी, कुछ करता क्यों नहीं? जल्दी से कोई काम ढूंढ ले, वरना मेरी मॉम है ना मेरी शादी किसी और के साथ करवा देगी। फिर तू देखते रहना हमारे सपने। एक बार ही नौकरी लग गई ना, फिर तू देख सब ठीक हो जाएगा, सबके दिन अच्छे आएंगे। ठीक है, पकड़, पगार बहुत अच्छी है। इसके बाद रेखा ताई की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। सबसे पहले तो वो गणेश भाव के पास जाऊंगा, 50,000 रुपया दूंगा, उसको बोलूंगा रेखा ताई को लेकर जा, उसको परेशान मत करना, उसको मारना मत, है ना? देव बापा सब ठीक करेगा। तू बस मेरे को अभी आशीर्वाद दे दे, लेट हो रहा है मेरे को। अरे हे काय आता? अरे गोड खा, दही साखर आहे, सर्व काम चांगलं होणार। ओके चल, मी जाऊन घेतो। चल 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 चल। जी मैडम, भेजता हूं ना। हाय, मैं हूँ रसिक भाई। हेलो सर, फोन पे हमारी तुम्हारी बात हुई थी। जी जी, आओ सामने आओ, सामने आओ भाई। गुड, घूम के दिखाओ। जी, अरे घूम के दिखाओ भाई, घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ। अच्छा है अच्छा है, जरा वहां तक चल के दिखाओ, वहां तक जाओ और वापस आओ। हाँ ठीक है ठीक है, आ जाओ वापस। हाँ बढ़िया है। हाइट क्या है तुम्हारी? हाइट 5'9"। 5'9" और चेस्ट साइज क्या है? क्यों? अरे सीना कितना चौड़ा है तुम्हारा? 46 होगा। 46। और वेट क्या है? 72। 72 kg। इधर आओ, अरे इधर आओ भाई। मैं वो जाओ जाओ, मुंह दिखाओ, मुंह खोलो और खोलो। अच्छा है, काम के आदमी हो। सर जॉब किस बारे में? अंकित, हम निराश औरतों को खुश करने की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मुझे एक बात बताओ, औरतों और सेक्स के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? एक औरत को खुश करने का 10,000 रुपया मिलेगा, 20% कमीशन रसीद भाई रखेगा। जितना ज़्यादा क्लाइंट उतना ज़्यादा पैसा, लाइफ सेट एकदम। क्या बात कर रहा है, मतलब ऐश भी और कैश भी दोनों एक साथ? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। क्या बोलू बोलना, सबको सुनाने का। मुझे तो एक क्लाइंट भी मिल रही है। कल जा रहा हूँ उसके पास, तू मुझे ना विश कर। चादर बदलाए ना, अरे तू मुझे विश करना। का है ये, का है? अरे थोड़ा टाइट विश कर ताकि परफॉर्मेंस एकदम टाइट हो। ऑल द बेस्ट मेरे भाई, परफॉर्मेंस एकदम तगड़ा करना। चलो चलो। पहले पैसा फिर काम, समझा? मैम वो रशीद भाई ने बोला था कि पहले पेमेंट, मतलब रूल है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू। अपने साथ 2-4 पैकेट कॉन्डोम हमेशा रखना, सेफ्टी सबसे पहले है। अंदर आओ, अंदर आओ। उसे तो तूने पक्का मना किया होगा। मना क्यों करूं? अरे काम है मेरा, इस बात के नोट मिलते हैं मेरे को, और मेरे को उससे कौन सी शादी करनी थी, है कि नहीं? अंकित सुनना यार, मेरी भी लगवा देना, रसिक भाई से बात करना प्लीज प्लीज, मेरे लिए बात करना। तेरे लिए बात करो? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? अरे थोपड़ा वक्त तुझा, अरे मतलब तेरा थोपड़ा देखना यार, देख इस लाइन में, स्पेशली इस लाइन में जो दिखता है ना वही बिकता है। कुछ भी तू रसिक भाई से बात करना, बाकी का मैं देखता हूँ। अरे तू पागल हो गया क्या? अरे तू एक काम करना, कोई अच्छा सा जॉब ले ले, मतलब क्लर्क का या फिर डिलीवरी बॉय बन जा कहीं पे, ये तेरे बस का काम नहीं है यार, समझा? एक मिनट, आई है? हाँ आई, बोल। हाँ नहीं, घर पे आ रहा हूँ मैं, पहले एक जगह से पेमेंट लेनी है। बोल क्या, कब आएगा ये? कितनी देर बैठूंगा और? ए क्या है, अभी आ रहा है तू? 1 घंटे से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तू मस्त घूम घाम के आ रहा है। तुम्हारी काम से क्या था भाव? ये पकड़ो 25,000 रुपया, 25,000 बाद में देता हूँ। इतना पैसा लाया कहाँ से तू? नया जॉब लगा है, वहीं से एडवांस उठाया है। कैसा जॉब? तुमको क्या करने का, तुम पैसा गिनो ना, मेहनत और खून पसीने की कमाई है। चाय गिना तुम्हें? बहुत पीली चाय है भाई, अभी तो चलता हूँ, बाद में आता हूँ रेखा को ले जाने के लिए। तूने मेरा घर बचा लिया, थैंक यू। पागल ताई है तू मेरी, तेरे लिए नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा? ऐसा मत बोल, समझी ना? ये तेरे लिए आई, ये तुझ्यासाठी। कितनी प्यारी है, अच्छी है ना? और देखा ये, तूने रेखा की शादी में अपना सारा सोना बेच दिया था ना, मैं तुझे डबल सोना बना के दूंगा पूरा। मैं तो यही चाहती हूँ कि तू दिन रात खूब तरक्की करे, खूब कमाए। अंकित ये मेरे लिए है? Of course तेरे लिए है। लेडीज परफ्यूम है, इसका मैं क्या करूंगा? हाँ लेकिन अंकित ये बहुत महंगा होगा। हाँ इसलिए इसको रखने की कंडीशन। कंडीशन क्यों? ये तू तभी लगाएगी जब हम एक हो जाएंगे, मतलब देखना बाजू में एक अच्छा सा लॉज है, चलना एक होने के लिए चलते हैं। तू फिर से शुरू हो गया, ये ले नहीं चाहिए मुझे परफ्यूम, तू रख। नहीं पागल तेरे लिए। एक मिनट। हेलो हाँ सर, हाँ सर बस मैं अभी आता हूँ सर। ओके सर ओके। आप कहाँ जा रहे हो? मलाई क्लाइंट मीटिंग है, मैं तुला नंतर बैठता हूँ। अरे पर अंकित ऐसे कैसे तुम? अरे मैं मिलता हूँ तुझे, चल बाय। अच्छा सुन, इसे तू बिना कंडीशन के रख सकती है, तेरे लिए। ओके लव यू। हो सकता है अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने चला गया हो। अरे नहीं साहब, वो बिना बताए किधर भी नहीं जाता है, 8 बजे बराबर घर पे आ जाता है। आज आधी रात होने को आया, अभी तक घर नहीं आया, उसका फोन भी नहीं चालू है। मुझे तो लगता है साहब मेरा बेटा कोई मुसीबत में है। साहब हम हाथ जोड़ती है, मेरे बेटे को ढूंढ के दो। कहाँ काम करता है आपका बेटा? वो कोई कंपनी में काम करता है। नाव तो नहीं मई थी, 1.5 महीने से लगा है उधर काम पे। ठीक है, अपने बेटे का मोबाइल नंबर और फोटो दे दीजिए, हम उसको ढूंढते हैं। कोई साहब कोई फोटो दीजिए। ओह ये मजा मुल्का क्या है कि कल के और आज के और थोड़ा बहुत कुछ डाल के 1000-1500 रुपया मनी ऑर्डर कर देंगे हम लोग। ए वो देख बैग। चल देखते हैं उसमें क्या है। चल 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 चल, चल। रुक, कोई नहीं है। चला बाजूला, चला मागे। सर ये तो वही लड़का है जिसकी माँ कल पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई थी। अंकित नाम है इसका। बॉडी को बाहर निकाल। सर बॉडी पर चोट के काफी निशान है, लगता है मरने से पहले इसे काफी बार पीटा गया है। मौत की वजह तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगी। बूटे जरा भगा आसपास का मिलता था। ओके सर। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? मैंने। हम लोग काम पर जाने के लिए रोज इधर से ही गुजरते हैं। आज जब हम यहाँ आए तो देखा यहाँ एक सूटकेस पड़ा है। हमने जब देखा तो एक लाश। रोज का रास्ता तुम्हारा? हाँ, लेकिन कल तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे। सर बॉडी पर एक पर्स मिला है जिसमें कुछ पैसे हैं। मतलब लूट के लिए नहीं मारा गया इसको? हाँ सर। और सर ये देखिए कॉन्डम के 6 पैकेट मिले हैं। 6 पैकेट? सर आसपास में कुछ नहीं मिला। खैर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। सर अंकित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से अंकित की मौत हुई है। सर उसे 3rd डिग्री तक टॉर्चर किया गया था। बॉडी पर चोट के काफी सारे निशान भी है। सर उसे यहाँ तक मारा गया था कि उसके पैरों के तले सूज गए थे। इस तरह से तो कोई पुलिस वाला या आर्मी वाला पीट सकता है। और अंकित की जेब में हमें कॉन्डोम भी मिले थे। ये सेक्स क्राइम का मामला तो नहीं है? जितना जल्दी हो सके उसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाओ। उसने हमें बताया नहीं कि वो कहाँ काम करता था, लेकिन हाँ उसकी पगार अच्छी थी। कुछ दिनों से बहुत खुश था, सबको बहुत खुश रखता था। कितनी चिंता थी उसको मेरी और आई की। बोलता था हमें फिर कभी दुखी नहीं होने देगा। और सबको दुख देकर चला गया। आप शादीशुदा हैं? आपके हस्बैंड की नजर नहीं आ रहा। वो उनका एक्सीडेंट हो गया है और पैर में फ्रैक्चर है, इसलिए आ नहीं पाए वो। अंकित का किसी से कोई अफेयर था? नहीं मालूम सर, उसने कभी नहीं कुछ इस बारे में बताया। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा दुश्मनी? दोस्तों के बारे में तो पता होगा ना? उसका एक ही दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड संतोष कामड़ी। खरत संतोष कामड़ी को पुलिस स्टेशन बुलाओ। रेखा का पति अंकित के गायब होने से लेकर अब तक कहीं नहीं दिखा। वो वाकई बेड रेस्ट पे है या मामला कुछ और है? सर ये संतोष बस। सर मला तर विश्वासच बसत नहीं है कि अंकित अब मर चुका है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था सर वो। हम दोनों। अंकित काम क्या करता था? सर वो जिगलो था। वो पैसों के लिए औरतों के साथ मतलब आप समझ रहे हो ना, धंधा करता था साहब, 24 घंटे उसके दिमाग में वही चलता था साहब। सेक्स के लिए भूखा था सर वो, किसी लड़की को देख लेता था तो उसके दिमाग में सिर्फ सेक्स ही आता था। फिर उसको वही काम मिल गया और मजबूरी में नहीं साहब, खुशी से काम करता था, अच्छे खासे पैसे भी मिलते थे उसे। किसके लिए काम करता? नहीं पता साहब, उसने कभी बताया नहीं। हाँ लेकिन वो नवघर में पाटिल कॉलेज के पास उसे एक पैम्पलेट मिला था जिस पर डे 10,000 कमाने का ऑफर था। सर ये देखिए, शायद ये हो सकता है। प्रतिदिन 10,000? रसिक भाई। जी साहब। ये तुम्हारे लिए काम करता था? नहीं सर। कौन है ये? सर 1.5 महीना पहले वो काम पे आया था मेरे पास। काम में बहुत सही था सर, वो बहुत पैसा बनाया सर उसने। जिस दिन उसका मर्डर हुआ दोपहर को वो यहाँ आया था। कोई बुकिंग थी उसकी? नहीं साहब, उस दिन तो वो ऐसे ही मिलने के लिए आया था। जिन जिन औरतों के पास तुमने उसको भेजा था सबकी लिस्ट चाहिए मुझे। लिस्ट? क्या है ना साहब कि अब ये धंधे में लिस्ट वेस्ट किधर बनाते हैं हम लोग, मतलब लिस्ट नहीं है ना साहब। अपने आप दे दे, वरना अगर हम निकलवाएंगे तो बहुत कुछ बाहर आएगा। देता हूँ सर। सर लेकिन गारंटी नहीं है ना कि वो नाम जो मैं आपको दूंगा वो असली हो। क्या है, औरतें अपना गलत नाम भी बता सकती हैं। तो नाम नंबर दे दो सही। हाँ देता हूँ सर। प्रोस्टिट्यूशन के चार्ज में अरेस्ट करो इसे। खराब सर साहब, सर क्या आप इसे जानती है? किसी ने इसका मर्डर कर दिया है, कुछ बता सकती है इसके बारे में? कौन है? वॉचमैन है, वॉचमैन। सर मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। सर प्लीज आप जाइए यहाँ से। मेरे हस्बैंड को इसके बारे में कुछ नहीं पता सर। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा सर, प्लीज आप जाइए ना। मैं नहीं जानती कौन है ये, मैंने आज तक कभी इसकी शक्ल नहीं देखी। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मैं अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। नैना देशमुख। जी। इसे जानती है आप? आप अंदर आइए। जी बैठिए। कांता तू अंदर जा। सर वो एक बार यहाँ आया था। एक्चुअली एक बार मैं उसके साथ कैजुअल सेक्स में इन्वॉल्व हुई हूँ। सर एक विडो हूँ मैं। 10 साल पहले ही मेरे पति गुजर गए। तो एक औरत की अपनी फिजिकल नीड होती है, मेरी अपनी कुछ ज़रूरतें हैं। इसके बारे में और कुछ जानती हैं आप? यही कि एक पेड सेक्स वर्कर है और एक बार यहाँ आया था। कब आया था? अब ऐसे एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं पता, पर हाँ 1 महीने पहले आया होगा। काम से आया था, ज़्यादा बात नहीं हुई, फिर वो चला गया। उसके बाद वो आपसे कभी नहीं मिला? क्योंकि जिस दिन उसका मर्डर हुआ उसके मोबाइल की शाम की लोकेशन यहाँ लोखंड वाला की है। सर तो मैंने आपको बताया ना कि वो एक पेड सेक्स वर्कर है, हो सकता है वो कहीं और गया हो। सर अंकित की कस्टमर होना तो छोड़ो, लेकिन कुछ लेडीज ने तो उसे पहचाने से भी इनकार कर दिया और जिन्होंने पहचाना उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो हमें बता सके। खैर मुझे ये मामला बदलेगा लगता है। हो सकता है कि इनमें से किसी औरत को वो ब्लैकमेल कर रहा था या फिर ऐसे ही कुछ। सर अंकित को जिस तरीके से पीटा गया था वो तरीका तो क्रिमिनल्स के खिलाफ सच उगलवाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पता करो अंकित के आसपास जितने भी लोग हैं उनमें से किसी का पुलिस या आर्मी से कोई कनेक्शन है क्या? ओके सर। सर इंक्वायरी की तो पता चला है कि रेखा के पति के पैर में वाकई में फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन ये किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं बल्कि कुछ लड़कों ने उसकी पिटाई की है। उसी के मोहल्ले में पिटाई की वजह से उसकी टांग टूटी है। सर ये रेखा नाम से झूठ क्यों बोल? एक्सीडेंट नहीं हुआ था साहब, ये मेरे को दो लोगों ने पीटा था और मेरे को पूरा यकीन है ये सब अंकित ने करवाया है। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि मुझे पीटने के बाद वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि इधर देख, आइंदा कभी रेखा ताई को मारा या परेशान किया ना तो तेरी एक नहीं बॉडी की सारी हड्डियां तोड़ देंगे। साहब अंकित रेखा को बहुत प्यार करता था और मैं तो उसका जीजा था, अगर वो खुद मुझे मारने आता तो वो खुद फंस जाता, इसलिए उसने गुंडे भिजवाए थे। रेखा को परेशान करते थे तुम? हाँ साहब। क्यों? क्योंकि उसका बाप मेरे को बोला था साहब कि पैसा ला के देगा, लेकिन पैसा ला के देने से पहले बुड्ढा लुढ़क गया। फिर अंकित बोला कि वो पैसा देगा, लेकिन वो लटका लटका के दे रहा था। अभी उस दिन भी जब वो पैसा देने आया था तो ये क्या आखिरी इंस्टॉलमेंट, बाबा ने जो वचन दिया था वो मैंने पूरा कर दिया, अब ताई को परेशान नहीं करने का। ए रुक रुक रुक, इतने का ही प्रॉमिस नहीं था खाली, तेरे बाबा ने बाइक और खोली का भी प्रॉमिस किया था, वो कब देगा? खोली और बाइक? बाबा ने मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं बताया। कभी कुछ नहीं बताया? नहीं, कभी कुछ नहीं बताया। अरे नहीं बताया तो तुम लोग का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मंजे का है? जल्दी जुगाड़ कर, नहीं तो इसके हाथ पैर तोड़ के ना सड़क पे फेंक दूंगा। ए भाऊ बाद में आ जाना तो उठा नहीं, अभी निकल चल। खोली और बाइक देना तो छोड़ो साहब, उल्टा उसने मेरे को पिटवा दिया। और इसलिए तुमने अंकित को मार दिया? नहीं साहब मैंने उसको नहीं मारा, इस हालत में मैं कहाँ बाहर जाऊँगा, कहाँ मारूंगा साहब। मैं उस दिन पूरा दिन घर में ही बैठा था साहब। खुद ने किया होगा, किसी को सुपारी दी होगी? नहीं नहीं साहब मैं एकदम सिंपल सा आदमी हूँ साहब, ये सुपारी उपारी मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब। और वो अंकित तो मेरे को पैसा देने वाला था साहब, मैं उसको मार के अपना नुकसान क्यों करता? उन दो लड़कों का हुलिया याद है जिन्होंने तुम्हें पीटा था? हाँ साहब। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, साहब साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, साहब मारो मत साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, साहब 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 मार पड़ दो साहब, साहब। किसके कहने पर गणेश को पिटवाया? संतोष कामरे बोला था साहब, उसने पैसा दिया था इस काम का। और अंकित को किसने मारा? तुम लोगों ने? उसकी सुपारी किसने दी थी? नहीं साहब वो नहीं पता, वो अंकित के मर्डर से हमारा कोई वास्ता नहीं साहब, हम सच बोल रहे साहब। साहब सर रसिक भाई कुछ बताना चाहते हैं? इंट्रोगेशन में बैठाओ। ओके सर। कुछ भी बोला ना, कुछ भी झूठ निकला, खैर नहीं तुम्हारी। बोल सर। एक बात याद आई तो सोचा आपको बता दूं। अंकित उसका दोस्त है साहब संतोष, वो आया था साहब मेरे पास काम मांगने के लिए, वो जिगलो वाला साहब। मैं उसको बोला कि कुछ दिन बाद बोलता हूँ, बाद में साहब मैंने ये बात अंकित को बताई तो अंकित बोला कि रसिक भाई अगर अगर आप संतोष को काम दोगे तो मैं जॉब छोड़ दूंगा। बाद में कुछ दिन के बाद संतोष आया था साहब मेरे पास। रसिक भाई मैं कब से ज्वाइन कर सकता हूँ? सॉरी यार मैं तुम्हें हायर नहीं कर सकता। मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा अंकित से। मैं तुम्हारी वजह से अब अंकित को नहीं जाने दे सकता। अंकित सबसे ज्यादा बिजनेस लाता है मेरे लिए, समझे? मतलब अंकित ने मना किया है मुझे हायर करने के लिए? उसकी तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। खराज संतोष को उठाओ। सर अंकित के कॉल रिकॉर्ड्स, एक लड़की से कुछ दिन पहले तक उसकी काफी बात हुआ करती थी, स्वाति नाम की लड़की है सर। कौन है ये स्वाति, कहाँ रहती है? सर उसका फोन नंबर उसके ऑफिस एड्रेस पे रजिस्टर है, उसके आस पड़ोस वालों से और उसके साथ जो लड़के हैं उनसे भी हमने पूछताछ की, उन्होंने अंकित और स्वाति के बीच में प्यार की बात को कंफर्म किया है सर। मतलब ये लव स्टोरी का एंगल भी हो सकता है जो अंकित की मौत का कारण बना। जल्द से जल्दी स्वाति को पुलिस स्टेशन ले आओ। सर गणेश का बैकग्राउंड चेक किया? अभी तक कुछ मिला नहीं है सर। ठीक है। सब 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 मैंने अंकित को नहीं मारा साहब, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था वो, मैंने नहीं मारा साहब उसको। मैं भी पैसा कमाना चाहता था साहब, मैं भी जिगलो बनना चाहता था। मैंने अंकित को बोला रसिक भाई से मिलवा, तो उसने साफ मना कर दिया। तो मैं चुपके चुपके रसिक भाई के घर गया, उसके पीछे पीछे रसिक भाई को पूछा तो उन्होंने बोला कि अंकित ने मना कर दिया मुझे हायर करने के लिए। तो मुझे गुस्सा आया था साहब, झगड़ा हुआ था हमारा, लेकिन वो बात उधर खत्म हो गई थी साहब। बात तो खत्म हो ही जाएगी क्योंकि तुमने अंकित को ही खत्म कर दिया। अगर तू किराए के गुंडों से गणेश को पिटवा सकता है तो एक्सपर्ट हायर करके अंकित को मरवा भी सकता है। नहीं साहब, वो अंकित ने ही बोला था गणेश को पिटवाने के लिए। और रेखा ताई को बहुत पीटता था गणेश, बहुत मारता था, पर अंकित ही नहीं चाहता था कि उसका नाम सामने आए। बहुत अच्छा दोस्त था ना तू अंकित का। हाँ। तो ये भी जानता होगा कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। हाँ स्वाति, लेकिन उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था साहब। क्यों साहब? उसके घर वालों को अंकित पसंद नहीं था, वो आमिर लड़की, ये चौल का लड़का। उन लोगों ने उसको एक बार पिटवाया था साहब, बहुत बुरी तरह मारा था साहब, बहुत बुरी तरह। सर स्वाति आई है। अंकित अच्छा लड़का था सर। अगर अच्छा लड़का था तो ब्रेकअप क्यों हुआ? किसने किया ब्रेकअप, तुमने या उसने? सर वो मेरी मॉम को हमारे बारे में पता चल गया था। वो अंकित को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उन्हें लगता था कि वो निकम्मा और आवारा किस्म का लड़का है। एक दिन जब मैं और अंकित साथ में थे, मॉम ने हम दोनों को देख लिया था। उसके बाद अंकित को वार्निंग दे के वो मुझसे दूर रहे वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा, और उस दिन के बाद हम कभी नहीं मिले सर। स्वाति, तुम्हारी माँ ने उसे वार्निंग दी, उसके बावजूद वो तुमसे मिलता था, और इस बात के लिए उसको किसी ने बुरी तरह से पीटा था, और उसे पिटवाने वाला और कोई नहीं था, तुम्हारी माँ थी। स्वाति, तुम्हारी माँ ने किसके हेल्प से अंकित को पिटवाया था? मेरे मामा की। मतलब पॉसिबल है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे मामा की हेल्प लेके अंकित को मरवा दिया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। अपने मामा का नंबर और नाम लिखवा दो। सर, ये मामा का नाम है ACP प्रताप मोरे। तुम्हारे मामा ACP हैं? कहाँ पर पोस्टेड है? खान। ये अंकित और तुम्हारा रिलेशन फिजिकल था? सर आप ये कैसा सवाल कर रहे हैं? स्वाति, तुम अंकित की गर्लफ्रेंड थी, तो जाहिर है तुम्हें ये पता होगा कि अंकित सेक्स एडिक्ट था। वो सब मुझे नहीं पता, पर मैं जब भी उसे मिलती थी वो हमेशा कन्विंस करता था मुझे ये सब के लिए, लेकिन मैंने उसे साफ साफ कह दिया था शादी से पहले ये सब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब मामा ने उसे मारा था तो 2 दिन के बाद मैं उसे मिलने गई थी, उसकी मॉम बाहर गई थी। और ऐसा क्यों किया मेरे साथ उन लोगों ने? सिर्फ इसलिए कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ, बस यही गलती है मेरी। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर मैं मॉम की बात मान लेती ना और तुमसे दूर रहती तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। नहीं स्वाति, ऐसी बात मत कर, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। मतलब तुम दोनों के बीच में इंटीमेसी थी? सब पहली और आखिरी बार था। अंकित से आखिरी बार बात कब हुई थी? 12 तारीख को, गायब होने के एक दिन पहले। हम अगले दिन मिलने वाले थे 13 तारीख को। सर मैंने उसे बहुत फ़ोन किया, फ़ोन बंद था, और फिर नेक्स्ट डे न्यूज़ में देखा कि उसका खून हो गया। स्वाति, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता शहर से बाहर मत जाना, और अपनी सारी डिटेल्स लिखवा के जाना। सर ये गणेश सच बोल रहा है। जिस दिन अंकित का मर्डर हुआ उस दिन वो पूरे वक्त के लिए ऑफिस में ही था, और हमने पूछताछ की तो ये पता चला है कि ना ही किसी पुलिस वाले के साथ उसकी जान पहचान है और ना ही किसी आर्मी वाले के साथ। और गणेश को जिन लड़कों ने पीटा वो उस दिन लोकल चैलेंज क्रिकेट मैच खेल रहे थे और इस बात का एक नहीं कई सारे गवाह हैं। सर संतोष भी अपने भांजे के मुंडन में प्रतापगढ़ में था। सर अगर इनमें से किसी ने नहीं मारा है तो आखिर मारा किसने? सर स्वाति के घर का एड्रेस A24 निर्मला कॉलोनी लोखंड वाला है। अंकित के केस से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनमें से एक से ही एड्रेस मैच हो रहा है। ये देखिए नैना देशमुख अंकित की क्लाइंट का स्वाति से क्या लेना देना? सर वो मेरी बेटी है। तो आप जानती थी कि अंकित आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड है भी उसके साथ? नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया। वो उस दिन मैंने इन्हें झूठ बोला था। एक्चुअली एक बार मैं उसके साथ कैजुअल सेक्स में इन्वॉल्व हुई हूँ। दरअसल जब मैंने दरवाज़ा खोला तब मैंने देखा कि वहाँ अंकित खड़ा है। वाओ, हॉट। तुम यहाँ क्यों आए हो? देखो मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। अभी मेरा कोई गेस्ट आने वाला है। मैं ही वो गेस्ट हूँ सासू माँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं। रसिक भाई ने मुझे ही भेजा है आपकी खातिरदारी करने को। चले। नहीं तुम जाओ यहाँ से। डील कैंसिल। नहीं 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 पार्सल आ गया है पेमेंट तो करनी पड़ेगी। पेमेंट ये लो अपने पैसे और दफा हो जाओ। गो। तो आपका मतलब है कि वो यहाँ सिर्फ एक बार आया था? नहीं उसके बाद दोबारा आया था एक हफ्ते या 10 दिन बाद। सोचना भी मत कि तुम मुझे परेशान कर सकते हो। एक बार पहले मेरा भाई तुम्हें पिटवा चुका है ना। मुझे मजबूर मत करो कि मैं उसे दोबारा बुलाऊं। ठीक है बुला लो। हाँ बुला लो। हाँ यस फिर मैं तुम और तुम्हारा भाई तीनों मिलकर ये वीडियो देखेंगे। बहुत मजा आएगा। सकता तुम्हें क्या चाहिए? पैसे चाहिए ना तुम्हें अभी ना। सासू माँ पैसे बहुत है मेरे पास। तुमको तो पता है कि मुझे क्या चाहिए। चलो कपड़े उतार। नहीं ठीक है तो ये वीडियो वायरल कर देता हूँ और क्या। नहीं प्लीज प्लीज नहीं प्लीज उसे डिलीट प्लीज। हो जाएगा वायरल एक बटन से। कपड़े उतारो ना। सो उसकी बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। उसके बाद जिस दिन भी उसका मन करता वो यहाँ आता रहा। पैसों के लिए नहीं रसिक भाई के भेजने पर भी नहीं बल्कि मेरे साथ जबरदस्ती करने। जिस दिन आपको उसकी लाश मिली उस दिन भी वो पहले यहाँ आया था और उस दिन भी उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और फिर यहाँ से चला गया। पर इसके बाद वो कहाँ गया क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। इतना सब कुछ होने पर आपको नहीं लगा कि पुलिस को बताना चाहिए? ACP मोरे साहब तो आपके भाई हैं। साहब को पता है ना अगर कोई भी बात पुलिस तक पहुँच जाती है तो फिर उसे पब्लिक होने में भी वक्त नहीं लगता। मेरी बेटी स्वाति तो क्या सोचती मेरे बारे में? मेरा भाई क्या सोचता? और मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं। कांता तुम जाओ पहले अंदर की सफाई कर लो। यहां बाद में करना। आप कुछ कह रही थी। सो मैं आपसे विनती करती हूँ प्लीज इस बारे में स्वाति से कुछ मत कहिएगा प्लीज सर। देखिए ऐसा कोई प्रॉमिस तो हम आपसे नहीं कर पाएंगे। और एक और बात जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो रहा था आप शहर से बाहर मत जाइए। कार चलो ACP साहब के ऑफिस। सर ये केस तो बहुत टफ होते जा रहा है। पहले हाई प्रोफाइल औरतें थी और अब एसीपी साहब भी। खैर अब नाम आया है तो इन्वेस्टिगेट तो करना पड़ेगा। बात करते हैं उनसे, देखते हैं कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। थैंक यू सर, इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें मिलने के लिए वक्त दिया। एक्चुअली हम अंकित चव्हाण मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो हमें पता चला कि हाँ मैंने उसको सबक सिखाया था ताकि वो मेरे भांजे से स्वाति से दूर रहे। वो तो मैं जानता हूँ सर, मुझे ये जानना था कि उसके बाद कभी। मांडवकर, मुझे पता है 13 तारीख को उसका मर्डर हुआ, बॉडी 14 को मिली। उस पूरे वीक में मैं हैदराबाद में ट्रेनिंग देने के लिए गया था, चाहे तो तुम चेक कर सकते हो। नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं। थैंक यू फॉर योर टाइम। सर आपको क्या लगता है, एसीपी साहब सच बोल रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं कि ट्रेनिंग पर थे तो ट्रेनिंग पर ही होंगे। ये भी हो सकता है कि मोरे साहब ने किसी को अंकित की सुपारी दी हो। सर अगर ऐसा है तो हम उनके कॉल रिकॉर्ड तो चेक कर सकते हैं ना? नहीं खराब, वो ऑकवर्ड हो जाएगा। ऐसा करो स्वाति को बुलाओ। ओके सर। जब अंकित ने तुम्हारे साथ संबंध बनाया तो क्या उसने वीडियो रिकॉर्ड किया था? साहब को अंकित का फोन मिल गया। स्वाति जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। सर उसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की थी सर, तब मैंने उसे परमिशन दी। अंकित ये क्या कर रहे हो? रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो तुम? प्लीज रिकॉर्डिंग करने देना। मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसका गलत यूज नहीं करूँगा। तू मेरे पास नहीं होगी तो इसे देखकर तुझे अपने पास फील करूँगा। आई शपथ मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा। प्रॉमिस ना? आई शपथ बोला ना। आई लव यू। मुझे बहुत भरोसा था सर उस पर। सर मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज इस बारे में स्वाति से कुछ मत कहिएगा। सर वैसे अगर देखा जाए तो अंकित को मारने का सबसे स्ट्रांग मोटिव नैना के पास ही है। हो सकता है कि अंकित का मर्डर करने के लिए नैना ने किसी की हेल्प ली हो। पहली नजर में तो ये मोरे लगता है, लेकिन मोरे एक हफ्ते के लिए शहर में नहीं था। अगर ये मोरे नहीं है तो कौन हो सकता है जिसका बैकग्राउंड पुलिस का, आर्मी का या सिक्योरिटी ऑफिसर का हो? पुलिस ने नैना से जुड़े सभी लोगों की कुंडली खंगाली और नजर में आया कांता का पति शिवा। दला। साहब सच बोले? साहब मैंने कुछ किया ही नहीं तो क्या बोलूं साहब? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। साहब मत मारो साहब। यही वक्त है सब कुछ सच बोल दे, बोलना लंबा जाएगा तू। मैडम ने मुझसे हेल्प मांगी थी। कौन मैडम? नैना मैडम। सब उसके अच्छे पैसे भी दे रही थी। अंकित उसको मिलने को आया था। वो पासी में एक क्लाइंट के पास आया था। मजा तो बहुत आया लेकिन जो नशा पुरानी शराब में है वो नहीं। मैं कहा बेडरूम में चले। मेरा एक दोस्त बाहर गाँव गया था, उसके खोली खाली थी। मैडम ने अंकित को मेरे साथ में उस खोली में छोड़ा और बोली कि वार्निंग देके उसे छोड़ने के पहले उसे तोड़ दे ताकि वो आगे से परेशान नहीं करे। मैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, मुझे पता है किसको किधर मारना है किधर नहीं मारना है। इसलिए सेफ मारा साहब उसे ताकि चोट नहीं दिखे। मगर सब दारू के नशे में पता ही नहीं चला। मैंने गलत मार दिया उसे। सब मैंने देखा वो मर गया था। मैं वैसे डर गया, मैंने मैडम को फोन किया। गंदी नीयत और गंदा चरित्र अपनी ओर बुरे परिणाम ही आकर्षित करते हैं। इस केस में विक्टिम और कल्प्रिट दोनों के साथ ऐसा ही हुआ। इस हत्या से दो परिवार बर्बाद हुए। जहां अंकित की मौत ने उसकी मां और बहन को असहाय बना दिया था, वहीं स्वाति मां के होते हुए भी अनाथ हो चुकी थी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.